दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल घूमी किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ देखने को मिलेगा कि पंत्री लेखा अब फायदा उठाने की कोशिश करेगी विराट की चुप्पी का। जी हाँ दोस्तों, विराट इतना चुप चुप है खोया हुआ है और कहीं ना कहीं वो सई की और विराट की बातें भी सुन लेती है कि विराट किस तरह से सई को इग्नोर कर रहा है। इस बात से सई नाराज हो जाती है और उसे सवाल करती है कि आखिर वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है और वो मोदक की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा, और वो उस पर चिल्ला भी पड़ेगा और उस बात को छुपाते नजर आएगा श्रुति और बच्चे की हालत को देखते हुए। जिसके बाद ने सई को पूरी तरह से यहाँ पर बहुत धक्का लगता है और उसे पत्रलेखा की बातें याद आती हैं। सई को प्यार में समझ नहीं आ रहा है कि वो विराट को गलत समझे, सही समझे या फिर उसे कोई तीसरा एंगल समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन पत्रलेखा अब विराट की जासूसी करते नजर आएंगी और पहुंचेगी वहाँ हॉस्पिटल, जहाँ पर श्रुति एडमिट है और उसका एक बेबी भी है। इसी बात का फायदा उठाने की पत्रलेखा कोशिश करेगी और विराट और सई के बजाय वो खुद उसे घर लेकर आने वाली है। यह दोस्तों देखने को मिलेगा कि सई विराट और पत्रलेखा, सई और विराट के बीच की इस गलतफहमी का अब फायदा उठाते नजर आएगी और चौहान परिवार में ले आएगी श्रुति को और सबके होश उड़ा देगी, जिससे कि विराट के पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है कि वो इस सच को छुपाना इसलिए चाहता था क्योंकि वो उन दोनों की जान बचाना चाहता था, क्योंकि श्रुति के ऊपर भी कई ऐसे इल्जाम है जिसकी वजह से उसके बच्चे को और उसको दूर होना पड़ सकता है। और यहाँ पर हॉस्पिटल में विराट अपना नाम लिखवाता है श्रुति के हस्बैंड की जगह और इसी बात का प्रूफ पत्रलेखा घर लेकर आती है और सई के होश उड़ा देती है। जिसके बाद में विराट काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन श्रुति भी उससे बदला लेने के लिए चुप रहती है और कहती है कि हाँ यही है उसके पिता, जिसके बाद में सबके होश उड़ जाते हैं। विराट को बुरी तरह से पत्रलेखा फंसा देती है ताकि वो सई के सामने उसे गलत साबित कर सके और उनका रिश्ता टूट जाए। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसे विराट अपनी सच्चाई साबित करता है।